Hey guys, welcome to my channel Smart Help India. In this video going, I am talking about how to transfer your data iOS to Android. अगर आपके पास iOS एंड Android डिवाइस है तो आपको पता ही होगा डेटा ट्रांसफ़र करना कितना मुश्किल है। अगर आप iTunes एप्लीकेशन से अपने PC के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र भी करते हैं तो वहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस आपको थोड़ा सा जंतर मंतर खरीदना है, उसके बाद आप आसानी से आईफोन का डेटा एंड्रॉयड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एंड्रॉयड का डेटा आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस आपको ये OTG परचेज करना पड़ेगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप इसको अपने लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको अपने लोकल मार्केट में ये सब कुछ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। हमारा खुद का एक ऑनलाइन स्टोर है जिसका नाम है shortsmart.in। आप उस वेबसाइट पर जाके आप इसको परचेज कर सकते हो सिर्फ 549 रुपीज़ में। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सब परचेज कर लीजिए। परचेज करने के बाद जब आपको ये डिलीवर हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करना है आपको टाइप सी वाले OTG में। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं टाइप सी वाले पोर्ट में। कनेक्ट करने के बाद ये जो टाइप सी पिन है, ये टाइप सी पिन आप कनेक्ट कीजिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, क्योंकि यहाँ पर हम एंड्रॉयड मोबाइल का डेटा ट्रांसफ़र करेंगे आईफोन में। तो सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करेंगे एंड्रॉयड मोबाइल में। कनेक्ट करते ही आप ये देख सकते हो ये फोल्डर आपको शो कर जाएंगे फाइल मैनेजर में। जैसे कि आप यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन कीजिए, फाइल मैनेजर में आप यहाँ पर देख सकते हैं USB डिवाइस कनेक्टेड शो कर रहा है। तो जो भी फोटो वीडियो जो भी फाइल आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आईफोन में, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए फाइल मैनेजर में आके। तो यहाँ पर हम मोबाइल के फ़ोन स्टोरेज से एक फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी करके जो है USB में इसको डाल देते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर हम बना लेते हैं टेस्ट नाम से, और टेस्ट वाले फोल्डर में इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो अब ये मोबाइल के स्टोरेज से आ चुका है ये फाइल हमारे पेन ड्राइव में। ये फाइल अब हमारे पेन ड्राइव में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी कर लेने के बाद, कॉपी करने के बाद आप इसको अपने एंड्रॉयड मोबाइल से खोल लीजिए। और अब आप यहाँ पे ये छोटा सा ये जो है पिन दिया गया है OTG, ये टाइप सी वाले में इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। और ये है लाइटिंग केबल, तो ये लाइटिंग केबल आप कनेक्ट कीजिए अपने आईफोन में। आईफोन में इसको कनेक्ट करने के बाद आईफोन में एक ऑप्शन रहता है फाइल्स नाम का, तो फाइल्स नाम के फोल्डर को ओपन कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे एक नया फोल्डर आ चुका होगा फ्लैश डिवाइस, जो कि हमारा पेन ड्राइव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट वाले फोल्डर आ चुका था। एक बार मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको खोला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश डिवाइस वाले ऑप्शन हट चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दोबारा इसको लगाता हूँ। दोबारा लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैश डिवाइस वाले ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी आप, मैंने जो टेस्ट वाले फोल्डर में एक वीडियो फाइल डाला था, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो ये वीडियो फाइल यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इसको अपने आईफोन में सेव करना चाहते हैं तो आप शेयर के बटन में क्लिक करके आप सेव वीडियो में क्लिक कर दीजिए। ये वाला वीडियो जो है आपके आईफोन के स्टोरेज में आके सेव हो जाएगा। अब ये जो है हमारे पेन ड्राइव में भी है और ये वीडियो अब हमारे आईफोन के स्टोरेज में भी आ चुके हैं इस तरीके से। अगर आप कोई आईफोन का फोटो वीडियो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, तो आप उसको ओपन करके शेयर बटन में क्लिक कीजिए। शेयर बटन में क्लिक करने के बाद सेव टू फाइल में क्लिक कीजिए। सेव टू फाइल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेन ड्राइव में जाके इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फ्लैश डिवाइस में। फ्लैश डिवाइस में क्लिक करने के बाद इसको हम टेस्ट वाले फोल्डर में इसको सेव कर देते हैं। फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद आप सेव बटन में क्लिक कर दीजिए। सेव में क्लिक करते ही ये जो वीडियो फाइल है अब ये सेव हो चुका है पेन ड्राइव में। तो अब मैं यहाँ पे पेन ड्राइव को खोल लूँगा। पेन ड्राइव खोलने के बाद अब ये पेन ड्राइव मैं लगाऊंगा एंड्रॉयड मोबाइल में, और एंड्रॉयड मोबाइल से अब मैं उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ जो कि मैंने आईफोन से इस पेन ड्राइव में दिया है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने टेस्ट वाले फोल्डर में एक वीडियो डाला था आईफोन से, तो ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है, जिसके आप ये देख सकते हो। तो आप बहुत ही आसानी से जो है आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये OTG और पेन ड्राइव वगैरह परचेज करना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका परचेज लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप इसको हमारे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी और COD दोनों का ऑप्शन है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे COD का, ठीक है। अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और आप अगर प्रीपेड ऑर्डर करते हैं तो आप घबराइए नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा या वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा YouTube चैनल है, ये मेरा Instagram अकाउंट है, ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा एड्रेस है। आप हमारे घर तक भी आ सकते हैं अगर मैं आपका पैसा खा लेता हूँ तो। वैसे आप पैसा का टेंशन नहीं लीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप हमारे वेबसाइट से इसको परचेज करते हैं तो 7 डेज के अंदर में ये सारी चीज़ आपके घर पे जो है डिलीवर हो जाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।